अपना नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं जिसका नाम है फाइल, फील्ड और रिकॉर्ड। सबसे पहले यह है कि फील्ड क्या होती है। फील्ड का मतलब होता है कि एक डाटा के अंदर या एक टेबल के अंदर जो चीज़ हमारे पास, जैसे रोल नंबर है तो ये एक फील्ड है, इसी तरह से नेम एक फील्ड है, इसी तरह से फादर नेम एक फील्ड है, वगैरह वगैरह। ये जो है आपको यहाँ पर डायग्राम में नज़र भी दिखा भी देता हूँ मैं, यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा। तो आप इसको डिफाइन ऐसे कर सकते हैं, द कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स इज कॉल्ड फील्ड। एग्जाम्पल आप ऐसे रोल नंबर या फिर एम्प्लॉय आईडी के नाम से दे सकते हैं, या फिर ये जो टेबल आपको नज़र आ रहा है इसको आप यहाँ पर ड्रा करके एरो के निशान से इसे शो कर सकते हैं। इसी तरह से अगर हम लोग रिकॉर्ड के बारे में बात करें तो ये कलेक्शन ऑफ फील्ड्स होता है, यहाँ पर आगे लिखा हुआ है एज अ सिंगल यूनिट आपकी बुक में। तो इसका मतलब ये है कि एक ही टेबल के अंदर जो फील्ड्स हैं उसको अगर हम मिलाएं तो एक रिकॉर्ड बन जाती है, मतलब एक पर्सन का एक रिकॉर्ड हम लोग जो फिल कर लेते हैं, एक लाइन में जो डाटा एंटर करते हैं वो एक रिकॉर्ड कहलाती है। इसके बाद यहाँ पर फाइल के बारे में बात करेंगे, तो फाइल को अगर हम डिफाइन करें तो इससे हम कलेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम्स भी कह सकते हैं, लेकिन यहाँ पर फाइल और फील्ड्स की जो कलेक्शन में कहें, इसकी सूरत में कहें, तो इसे हम कह सकते हैं द कलेक्शन ऑफ रिलेटेड रिकॉर्ड्स इज कॉल्ड फाइल। तो वो जो है एक फाइल होगी, जो एक फाइल जो है, या इसे हम एक टेबल जो हमारे पास डेटाबेस के अंदर होता है उसे भी हम एक फाइल कह सकते हैं।